जो युवा योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ लगाएंगे, उनको नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे भीतर से एंडोर्फिन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? जोर से बोलिए। और इसमें अफीम में क्या होता है? मॉर्फिन। ये मॉर्फिन से भी ज्यादा स्ट्रांग है एंडोर्फिन। आप जब योग करते हो ना, तो ऐसे नशे में रहते हो, 24 घंटे उतरता ही नहीं। हमेशा जोश में, जुनून में, उत्साह में, खुशी में, प्रसन्नता में। तो चलो अब अगला, नीचे से भी यहां से भी तो मजबूत बनाना। तैयार? चलो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, रिलैक्स। अभी अगला बाकी है, 12 हैं। फिर दूसरा, नीचे, दो, तीन, नीचे, नीचे, नीचे। दो, नीचे से। पता लगा, वापस आते समय बड़ा जोर पड़ रहा है। अब तीसरा, भुजाएं, सीना चौड़ा होना चाहिए ना, तो ये एक, दो, तीन, चार, पांच। बस अभी बहुत कराना है, तो ये डिप्स लगाना। कितने? 10-20 लगा लेना। तीन हो गया, अब चौथा, एक दाना पैर आगे आगे झुकता, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, रिलैक्स। तो जवानों, जोरदार काम है ना। नेक्स्ट, ए जवानों, रोज कर लिया करो सुबह सुबह, ठीक है ना। फिर कभी बुढ़े ऐसे कैसे रहोगे जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी जैसे रहोगे, यूनिवर्सल। दो, तीन, दो, तीन, कुछ बनी बात। अब इसको ऊपर से पलटी मारनी है। कैसे? यस, ऐसे, और ये इधर से ऐसे। समझ में आ गई? तो चलो अब इससे अगला और भी कठिन है। कैसे? दाहिने पैर को बाईं तरफ ले जाएंगे, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। समझ में आई बात? ये छोटी गुड़िया भी कर रही है ऐसे, ऐसे और ऐसे। इससे एकदम फिटनेस बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और ये करो तो पता लगेगा कि अभी जवानी है या जवाने में बुढ़ापे का आनंद ले रहा। देखो ये ऐसे पैर, और ये सामने से घूम के आएगा पैर, एक, दो, बन गई बात। मैंने देखा नहीं, करके दिखाओ तो। नीचे आना, कुछ ऊपर ऊपर ही कर रहे, ये नहीं, घास ही नहीं काटनी है, पूरा नीचे तक। कुछ जवानों ने अच्छा किया, ये अच्छा कर रहा है। क्या नाम बेटा? अमित। अमित अच्छा कर। फिर देखो ये ऐसे लगाया और फिर ऐसे किया और ये ऐसे निकाल दिया, फिर वापस आ गए ऐसे, ये
ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। कुछ बनी बात? तो ये जवानों वाला योग सिखा रहा हूं या बुढ़ू वाला थोड़ी सिखाऊंगा? तो सुनो, फिर ऐसे हाथों पर संतुलन बनाना, शेर दंडा पंजाब दा शेरो। तो कैसे? ऐसे शेर दंड लगाएंगे, आगे सिर निकालेंगे, पीछे से पैर उछालेंगे, ऐसे। ये 10 बार, ठीक है? रोज कर लेना ऐसे 10 बार, 10-10 बार करना है एक एक अभ्यास। ये 20 मिनट का व्यायाम बता रहा हूं। फिर अगला, 1, 2, 3, 4, 1, 2। ए, बैठ क्यों गए? करो। अब लास्ट, बहुत सरल है, बहुत सरल है। लास्ट कैसे? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2। समझ में आई बात? रिलैक्स। कुछ पसीना आया? जो ऐसे थोड़ा व्यायाम कर लेगा फिर उसका शरीर कमजोर, उसका मॉडल अच्छा हो जाएगा। अपने को मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन अपना मॉडल भी खराब, हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना लेकिन अपना दर्शन भी खराब। किसी को देखो तो ऐसे गोल मटोल पूरा भूगोल दिखता उनमें। तो सुनो, अपने आप को अच्छा बनाओ। तो रोज जवानों के लिए बताया था अभी ये वाला। फिर जवानों के कुछ आसन है, ऐसे तो बहुत तरह के आसन है, जवानों वाले आसन करवाता हूं, ठीक है? शुरू में दीवार के साथ कर लेना, एक कठिन आसन है। वैसे ये सबसे पहले करना चाहिए, ज्यादा गर्म शरीर में नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर करने में कोई नुकसान भी नहीं है। ऐसे शीर्षासन, ये तो जवान बेटा बेटियों ने कईयों ने किया, उन सबको भी आशीर्वाद। कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं। शुरू में इसको दीवार के साथ कर सकते हैं, इसको करने में थोड़ी असुविधा होगी, इससे दिमाग बहुत तेज हो जाता है और जो मैं योग से कहता हूं वो होता है। मैं 9 साल की उम्र से योग करता और एक दिन भी योग छोड़ा नहीं। पहले मेरा दोनों पैर मिला करते थे, पेट बाहर था, लोग मुझे मेरे ऊपर हंसा करते थे। पहले मुझ पर हंसा करते थे, आज मुझे देख करके हंसते हैं। ऐसा होना चाहिए ना। सुनो, पहले मेरा पेट इतना मोटा था कि ऐसे भर, और अब मैं इसको अंदर खींच लेता हूं तो पता ही नहीं लगता, पाताल लोक में चला जाता। फिर घुमाता हूं, एक पंजाब का भाई बोला मैं भी घुमाता हूं, वो आगे से घुमाने लगा पीछे से घुमा। मैंने कहा भैया तेरे तो बैक गियर लग गया। सुनो, आसनों में 5 आसन भी कर लेने युवा, दिमाग बहुत तेज रहेगा। मैं कहता हूं
जिंदगी में सक्सेस के लिए, कामयाबी, सफलता के लिए तीन चीजें जरूरी है, हेल्दी बॉडी, क्या चाहिए, शार्प ब्रेन, और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत, उत्साह, जोश, जरूर, तीन चीजें। क्या बोली, तीन चीजें क्या बताई, बोलो, हेल्दी बॉडी, शार्प ब्रेन एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत। ये ताकत होनी चाहिए, शक्ति होने नहीं तो क्या करेगा, कायर कमजोर बुजदिलों के लिए दुनिया नहीं है, वीर भोग्या वसुंधरा। तो योग करने से आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी, ब्रेन बहुत शार्प होगा, और आप जिंदगी भर काम करते कभी थकेंगे ही नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। यही तो जिंदगी है, यही तो जवानी है, युवा इसी को तो कहते हैं, जो कभी थके नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, हटे नहीं, बढ़े चले अपनी जिंदगी में आगे, वो युवा। तो आप सब युवाओं को मेरा सलाम है, और मैं भी अभी बुढ़ा थोड़ी हुआ हूं, मैं भी तो जवान ही हूं अभी। और सुनो, आप में से आधे से ज्यादा तो मेरे से आधी उम्र की भी नहीं है, तो फिर, और ऐसे ही 100 साल तक जीने वाला हूं, बुढ़ा नहीं होने वाला। इसके लिए दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, एक आहार और दूसरा विचार। आहार और आहार गलत जाएगा तो बॉडी का स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा, क्योंकि बॉडी का रॉ मेटेरियल क्या है, आहार, फूड, जो आप दूध लेते हो, मिल्क लेते हो, जूस लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो, जो भी ग्रेन्स लेते हो, जो भी खाते हो, उससे क्या बनती है आपकी फिजिकल बॉडी। आहार शुद्ध होना चाहिए, दूसरा विचार। ये विचार यदि गड़बड़ हो जाए ना तो वायरस की तरह काम करता है, आदमी को ऐसी पागल बना देता है, इसलिए पागल पलवारा विचार नहीं होना चाहिए। सुनो, तो योग करने से आप अच्छा आहार ही लोगे, गलत आहार करने की इच्छा ही नहीं होगी, और गलत विचार ही आपके मन में उठेगा ही नहीं। ये दो चीजें, गलत आहार करने की इच्छा ही नहीं होगी, मांसाहार करने की इच्छा नहीं होगी, बीड़ी सिगरेट पीने की इच्छा नहीं होगी, कोई ड्रग लेने की तो बहुत दूर की बात रही, अंडा खाने की भी इच्छा नहीं होगी। अंडा क्या है, ये मुर्गी के पीछे से निकलने वाली उसकी पोटी तो है, अब इसको लोग प्रोटीन बता रहे, पोटी खा रहे, प्रोटीन बता रहे, है बौड़ो। अरे किसी के पिछोंडे से कोई बढ़िया चीज निकला है क्या, हम गांव में थे ना तब सुना करते, किसी को कोई गाड़ी देनी हो ना गांव में, ए बोलो गु खाने के, तो हम सोचा करते गु भी कोई खाने की चीज, हमने शहरों में आके देखा गु खा रहे बावड़े। तो भाई आप जब योग करोगे तो खराब चीज खाने की, खराब आहार लेने की इच्छा ही, और खराब विचार तुम्हारे मन में ही, क्या बात है। फिर आसन 5 करने, एक तो शीर्षासन, फिर देखो ये है सर्वांग आसन, सब करो ऐसे, फिर ये पैर पीछे टिका दो तो हलासन, बनी बात, बहुत अच्छा किया है सभी ने। फिर बीच से उठा दो तो चक्रासन, छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, ये जवानों सबके लिए जरूरी है। तो जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, बॉडी में एनर्जी रहेगी, और सर्वांग आसन हलासन करने से बाल अच्छे रहेंगे, आंखें अच्छी रहेंगी, दिल दिमाग अच्छा रहेगा, ब्रेन बहुत शार्प रहेगा। फिर आगे झुक जाओ, और आगे झुक के माथा घुटने से लगा दो, देखो किसी कोई तो बीच में ही रुक गए, झुको ऐसे, ये रिलैक्स, बटरफ्लाई कर रहे, ये तो उड़ रही है तितली, ठीक ठाक, ये घुटने जमीन पर आने चाहिए, अब किसी किसी की तितली तो ऊपर ऊपर ही उड़ रही है ऐसे। बॉडी ऐसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जवानी में, जवानों देखो दाएं पैर बाएं पर रखो,
बाएं दाएं पर रखो और पीछे से पकड़ लो। आ गई पकड़ में? क्या बात है, कुछ बेटियों ने भी पकड़ लिया, कुछ बच्चों ने भी पकड़ लिया। अच्छा, ऐसे एकदम फिट बॉडी होनी चाहिए। जवानों को तो फिर थोड़े कठिन आसन भी कर लेने चाहिए। ऐसे बैठे हुए हैं और ऐसे उठ जाओ दोनों तरफ से। दो चार ने तो बहुत अच्छा किया। क्या नाम है? संदीप और अनुराग। हाँ, अच्छा अच्छा कर रहे थे। ऐसे बॉडी अपने अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। सब बच्चे कहते हैं हमको आजादी चाहिए, वी वांट जस्टिस, वी वांट फ्रीडम। और उधर दिल्ली में तो कुछ ऐसे भी होते हैं, आजादी भाई आजादी, देश की होगी बर्बादी थारी ऐसी की तैसी। सुनो, आजादी कैसी? अपने शरीर पर तुम्हारी आजादी होनी चाहिए। तुम्हारा तन और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, तुम आजाद कहां, क्यों बर्बाद हो चुके हो? अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर स्वाधीनता। हम शरीर इंद्रियों और मन के गुलाम नहीं, इसके मालिक हैं। जिसका अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा नियंत्रण है वो योगी है, और जिसने अपने आप को जीत लिया वो विश्व विजेता बन सकता है। तो योग से, ये तो मैंने थोड़े आसन बताए, अब प्राणायाम बता देता हूं। आज थोड़ा ये शॉर्ट वाला योग चल रहा है, ठीक है ना? इतना ही कर लोगे तो भी बहुत है। ऐसे तो योग की बहुत क्रियाएं मैं सिखाता हूं। प्राणायाम में पांच क्रियाएं आपको जरूर आनी चाहिए। भस्त्रिका, क्या बोलो? कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। सुनो, थोड़ा पसीना एक बार आया ना आपको भी? पसीना आने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह आए तो, दिन भर आता रहे तो खराब लगता है। तो अब आपको प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये पांच प्राणायाम बताएंगे। इसमें भी एक तो ये, पांच सेकंड में सांस लेना, पांच में छोड़ना, ऐसे। कुछ बात समझ में आई? और जवान है तो तेजी से भी कर सकते हैं। कैसे? एक मिनट से ज्यादा तुम में से कोई नहीं कर सकेगा। एक मिनट में पूरा पसीना आ जाएगा और मन एकदम शांत हो जाएगा। देखो, मैं आपको खाली 15 सेकंड कराता हूं, ठीक है? 15 सेकंड के बाद देखना, तुम ढूंढते रहना तुम्हारा मन कहां खो गया। अब तो तुम मन के चक्कर में खोए हुए हो। फिर मन कहीं खो जाएगा, चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा, फिर हम अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में रहते हैं। इस यही तो जैन दर्शन में प्रेक्षा ध्यान है, बौद्ध दर्शन में विपश्यना, और योग दर्शन में आत्मदर्शन, जिसको कहा अपने स्वरूप में रहना। हम तो अजामर नित्य अविनाशी है, देह तो नाशवान है, ये शरीर इंद्रिया मन हमारे साधन हैं, ये हमारे ये उपकरण हैं, हम इनके स्वामी हैं, मालिक हैं, हम बहुत जीनियस हैं, हम इन सब सबके ऊपर अपना अधिकार रख करके जिंदगी को देखो, फिर कितना आनंद आएगा। तो देखो, 15-20 सेकंड मेरे साथ सब करेंगे, जब तक मैं करूंगा कोई रुकेगा नहीं, चेहरा मोहरा नहीं बिगाड़ेंगे, कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे चेहरा चोरा नहीं बिगाड़ना। कैसे करना? चलो मेरे साथ साथ सभी लेंगे छोड़ेंगे, चेहरा देखिए मेरा, ऐसे आपका सहज रहना चाहिए। रिलैक्स,
अब मैं आपसे पूछता हूं, ए आपने अभी ये 20 सेकंड किया है, कितनी? अब देखो अपने भीतर, तुम्हारे भीतर अब कोई गलत काम करने की इच्छा है? बोल बाबा जी अब तो पता ही नहीं क्या है, गलत काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, झूठ बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, किसी की हिंसा करने की इच्छा नहीं हो रही है, अहिंसा यह हमारा स्वभाव है, सत्य हमारा स्वभाव है, चोरी न करना, ईमानदारी से जीना हमारा स्वभाव है, ब्रह्मचर्य हमारा स्वभाव है, अपरिग्रह हमारा स्वभाव है, शौच संतोष, शुचिता में जीना, संतोष में संतुष्टि में जीना, प्रसन्न रहना, तप करना, अपने से जुड़े रहना, एक भागवत शक्ति में विश्वास रखना, यही तो यम नियम है, यही तो योग है। तो योग हमारा स्वभाव है, बोलिए, भोग हमारा स्वभाव। तुम प्रेम में तो 24 घंटा जी सकते हो, गुस्सा तो एक मिनट भी आता तो जहर फैला देता पूरे शरीर में, इसका मतलब प्रेम हमारा स्वभाव है। प्रेम का मतलब बदमाशियां नहीं है, समझे? ट्रूथ, लव एंड कंपैशन, ये योग है। प्रेम माने एक जैसे मां बेटी का, पिता पुत्र का, गुरु शिष्य का, दो मित्रों का प्रेम होता है, ये भोग में तो प्रेम की मृत्यु हो जाती है, भोग प्रेम नहीं। इसके बाद देखो कपाल भाती, ये बड़ा जबरदस्त है, इससे आदमी का बीज ठीक हो जाएगा, आदमी की नस्ल ठीक हो जाएगी। आजकल मुर्रा नस्ल की बसें बहुत अच्छी मिल रही है, मुर्रा नस्ल की भैंस सुधारने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, गधे घोड़े कुत्तों कीड़े मकोड़ों की नस्ल सुधारने पे काम चल रहा है, फसलों के नस्ल सुधार रहे हैं, आम की और गेहूं की बाजरे की, पेड़ पौधों की नस्लें सुधार रहे हैं, आदमी की नस्ल खराब हो रही है। ये कपाल भाती आदमी की नस्ल सुधारने वाला कार्यक्रम है, माने यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट से लेकर के स्पर्म ओवम, ये मूलाधार से पैदा होते हैं, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा गुरु सहस्रार, अष्ट चक्र हैं हमारे भीतर। जो कपाल भाती करता है ना, उसका शरीर तो अच्छा हो जाता है, उसके सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है, उसकी सुप्त शक्ति सुप्त ज्ञान उसका जागृत हो जाता है, डीजनरेटिव सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, उसके भीतर की सारी अशुद्धि सारी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट सब निकल जाते हैं बाहर। योगी का शरीर और चित्त निर्बीज हो जाता है, हर एक के शरीर में कोई भी रोग और किसी के मन में कोई भी विकार पैदा होने की संभावना होती है, जो योग करेंगे उनके शरीर में कोई रोग और उनके मन में कोई, उनके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होंगे, ये कितनी बड़ी बात है। और फिर आप काम इतना बड़ा करोगे, जिधर चलोगे उधर ही रास्ता बन जाएगा, जो आप करोगे वो एक आदर्श बन जाएगा, जहां पहुंचोगे वो मंजिल बन जाएगी, ये है जिंदगी। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, सरकारी स्कूल में कबूतर घुमा करते थे हमारे यहां, तुम्हारे यहां तो देखो एसी की भी हवा आ रही। ओ हम तो खेत में जांडी के पेड़ के नीचे, स्कूल में शीशम के पेड़ के नीचे, बाद में गुरुकुल में पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़े हैं, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं उसको आगे दुनिया पढ़ेगी। एक है इतिहास पढ़ना और दूसरा इतिहास गढ़ना। आप इतिहास तो पढ़ो ही, लेकिन साथ साथ में इतिहास गढ़ने वाले भी बनो, ये आप युवाओं से अपेक्षा है हमारी। तो आप जब योग करोगे ना, तो आपके भीतर ऐसा जुनून पैदा होता है, ऐसा ज्वार पैदा होता है, ऐसा उत्साह, ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम कि योग करने सुबह सुबह एक बार योग कर लो, फिर दिन भर ना ऐसे मचलते फिरोगे और काम अच्छे अच्छे करोगे, गलत काम करोगे नहीं। फिर जब मैं घर से चला तब मेरे पास 500 रुपए भी नहीं थे, मेरे गुरु ने मुझे किराए भाड़े के लिए, जब मैं गुरुकुल से मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी होगी, व्याकरण शास्त्र वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद आदि पढ़ लिया, तो मेरे पास किराए भाड़े के लिए 500 रुपए थे। जब हमने ट्रस्ट का काम शुरू किया तब भी हमारे पास में, गांव की भाषा में बोलते ना, चवन्नी भी नहीं थी। फिर हमने ट्रस्ट बनाया 1995 में और आज देश का सबसे बड़ा ट्रस्ट ये आपके गांव का बाबा चलाता है।
जब हमने इस साधना और सेवा के रास्ते पर पग आगे बढ़ाए थे, तब हमको ब्रांड की स्पेलिंग नहीं पता थी, और अब उन्होंने ऐसा ब्रांड बना दिया, विदेशी कंपनियों की बैंड बजा दी है। युवाओं को क्या चाहिए? युवा कहते हैं मेरा शरीर बहुत मजबूत होना चाहिए, मुझे बहुत पावरफुल बॉडी चाहिए, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मुझे पीस चाहिए। योग करोगे तुम्हें पावरफुल बॉडी मिलेगी, तुम्हें प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और तुम्हें पीस भी मिलेगी। बढ़ते जाओ आगे। योग तो बहुत जबरदस्त चीज है। ये कुछ लोगों ने क्या बीच में बना दिया था, बोले बुढ़े ठहरे करेंगे। अरे बुढ़ा तो शमशान में जाने वाला, नहीं भी करेगा तब क्या हुआ? बुजुर्गों को भी करना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों को ही योग करना, ये क्या मतलब हुआ? अरे बुजुर्ग आदमी मर भी गया तो क्या बात है, कोई बात नहीं, नए पैदा हो जाएंगे। बुजुर्गों को तो करना ही चाहिए, लेकिन जवानों को करना चाहिए, जिससे कि वो बुजुर्ग ना हो, सदा जवान रहे। न तो रोगो, योग का सिद्धांत बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलिए, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। न तस्य रोग, उसको रोग नहीं होता, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आता, न मृत्यु, उसके पास मृत्यु भी नहीं फटकता। मेरे से मृत्यु भी डरता है। हाँ बोलो बाबा, ये कैसा कार्यक्रम है? सुनो, आदमी मरता कैसे है? तुम तो पढ़े लिखे जवान हो, सब लॉजिकली बात करो। आदमी मरता कैसे है? या तो ब्रेन फेल हो जाए, या तो हार्ट फेल हो जाए, या तो कैंसर जैसी कोई बीमारी हो जाए, या खुद ही लटक के मर जाए। योगी कभी आत्महत्या करता? योगी का कभी ब्रेन फेल होता? योगी को हार्ट अटैक होता? योगी को कैंसर जैसा होता? तो तुम बता दो, योगी कैसे मरता है? इसलिए योगी अपनी इच्छा से ही जाता है, इसको कहते हैं मृत्युंजय होना।